अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं हमारी ISL 201 की जो बुक है उसके क्विज नंबर 1 का सोल्यूशन अपलोड करने जा रहा हूँ। नए आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। उससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकेंगे। तो चले आएँ, हम लोग अपना क्विज स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग द प्रोफेट्स, क्रिश्चियन, ज्यूज, मुस्लिम्स, हिंदूज। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है, मुस्लिम्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लॉन्गेस्ट सूरा इन द होली कुरान इज, सूरह फल्क, सूरह नास, सूरह इमरान, सूरह बकरा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, सूरह बकरा जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द टर्म सुलुसोन सुलुसोल कुरान, 1/3 ऑफ द होली कुरान इज अप्लाइड टू विच सूरा, अल फातिहा, अल कौसर, अल इखलास, अल कदर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3rd, जो ऑप्शन 3rd है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विच रिलीजन इज द फेवरेट ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू द होली कुरान। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है जूदियज्म, और ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारे पास कन्फ्यूजनिज्म, और ऑप्शन नंबर 3rd हमारे पास है इस्लाम, और ऑप्शन नंबर जो हमारे पास 4 है वो क्रिश्चियनिटी। हाँ यही है। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3rd है, इस्लाम। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ सूराज डेट वर रिवील्ड एट मक्का इज, 84, 86, 88, 89। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 है, 86। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर इस्लामिक टीचिंग्स ओनली द डैश नोज वेन द डे ऑफ जजमेंट विल हैपन, अल्लाह, एंगल्स, एंजल्स, इसके बाद हजरत ईसा, हजरत मेहदी। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ असेंशन मिराज द होली प्रॉफिट रिटर्न टू मक्का एट द सेम मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 है, नाइट। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाइल परफॉर्मिंग ऑल द मैटर्स ऑफ लाइफ इज, द प्योरिफिकेशन ऑफ हर्ट, इसके बाद है हमारे पास टू शो ऑफ, टू हैव फेथ ऑन प्रॉफिट्स, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है द प्योरिफिकेशन ऑफ हर्ट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ डैश इज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह हु इज़ गिवन अ न्यू शरीयत कोड्स ऑफ लॉ फॉर हिम, रसूल, नबी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्लाह अलमाइटी डज नॉट लाइक डैश इन हिज वर्शिप। तो एग्रेशन, एक्सेसिवनेस, एक्सट्रीमनेस, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो इसका आंसर नहीं है, बल्कि जो है वो ये तीनों चीज़ें अल्लाह पाक जो है वो पसंद नहीं करते। इसका ऑप्शन है हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो इस ऑप्शन नंबर 4 इस क्विज का राइट आंसर है। तो अब हमारे पास ये 10 क्विज जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आप लोगों का एक और क्विज़ है, PARK 301 का क्विज़, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग वहाँ से जाके उसकी वीडियोज़ भी जो है वो देख सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।